कैसे हैं आप पिताजी? अपनी राजकुमारी को देख लिया हमने, अब हम भी बिल्कुल ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। वीर भैया, सारी तैयारियां हो गई है ना? मैं देखता हूं। राजू, हवन की सारी सामग्री दे दो अभी जल्दी। जी आभा, ये सब काम होते रहेंगे, पहले अपने परिवार वालों को ठीक से मिल लो। चलो आइए। नहीं करण, हमने आभा को देख लिया, छू लिया, हमारे लिए उतना ही काफी है। राघव भैया, दादी आप लोगों के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? यहां बैठिए। आप भी चलिए। और ये हार लता ने अपनी बहन को दिया है। आइए, आप भी आइए। जग्गू बेटा, इधर यहां बैठो। माताजी, पूजा की सामग्री में घी नहीं, वो मंगवा लीजिए। अब हम अभी लेके आते हैं। नहीं नहीं, हम लाते हैं पंडित जी। समझ में नहीं आता ठाकुर साहब, आपका सम्मान करूं या आपकी बेटी का अपमान? आपका पूरा परिवार नौटंकी में काम करता है क्या? आपकी बेटी वचन देती है कि आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी और यहाँ स्वर्ण भवन में आने का कोई मौका नहीं छोड़ते आप लोग। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वर्ण भवन के चौखट पर आकर आपको बदनाम होना अच्छा लगता है। पंडित जी, हवन शुरू करते हैं। इससे पहले कि हवन शुरू हो, हम अपनी बेटी का कमरा देखना चाहेंगे। यहाँ इस दड़बे में रहती है हमारी फूल सी आभा। उस बेचारी ने तो अपना नसीब अपने हाथों से बिगाड़ा। जब पति के प्यार का साथ हो ना भाभी, तो झोपड़ी भी महल जैसी लगती है।
देखिए ना, आभा ने इस कमरे को भी घर जैसा बना दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसी जगह हंसी खुशी रहना आम लड़की के बस की बात नहीं है। करण, हमें तुम्हारा एक कमरा बहुत अच्छा लगा। पूरे स्वर्ण भवन से भी बढ़कर है, क्योंकि इसमें रिश्तों की रोशनी है और प्यार की खुशबू बसी है। लोग यहां बैठिए। आप सब लोग नमस्कार कीजिए। ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदुताय नागाननाय श्रुतेय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भाभी, हमारा हार। ये हार? अरे दादी, ये हमारा खानदानी हार है। देखिए देखिए खानदानी हार। पापा पापा, ये हमारा खानदानी हार। इनके गले में क्या कर रहा है? ये आप क्या कह रही हैं शैली जी? ये आपका खानदानी हार है? इतनी भोली मत बनिए आंटी जी। आपके जो आज हालात हैं, उसके चलते तो आपके पास ढंग के गहने होंगे नहीं किसी फंक्शन में पहनने के लिए। इसलिए इज्जत बचाने के लिए आभा ने भिजवा दिए होंगे गहने आपके पास। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? हो सकता है कि नौकर के हाथ भिजवा दिए हो। जो भी कहिएगा सोच समझ के कहिएगा। आप मेरी पत्नी पे इल्जाम लगा रही हैं। मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। कराई पूछो अपनी इस पत्नी से कल नौकर के हाथ क्या भिजवाया था। किसे भिजवाया था, कहाँ भिजवाया था, पूछो। अभी आपको गलत फहमी हो रही है। हमने नौकर के हाथ सिर्फ एक चिट्ठी भिजवाई थी माँ के लिए, जिसमें हमने लिखा था कि वो यहाँ ना आए। बहाना करके बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए आंटी जी। और तुम, अगर तुम्हें गहने भेजने ही थे तो कम से कम दादी से तो पूछ लिया होता। हम सच कह रहे हैं, हमने गहने नहीं भेजे। अरे हम तो अपने कमरे में गहने ढूंढ रहे थे। हाँ शैली,
तुम्हें कोई गलत नहीं हुई है। आभा ने गहने नहीं भेजे हमारे पास। तो बताइए चंद्रप्रभा, सबको बताइए कि वो गहने आपको किसने दिए। देखिए मुझे नहीं लगता ये खत आभा ने लिखा है। लिखावट कितनी अलग है। आभा ने ये खत जल्दी जल्दी में लिखा होगा ना। हार कहाँ गया आपका? ठाकुरन के हाथ तो देखो, जिन हाथों ने हजारों लोगों को सोना दान दिया था आज वही हाथ सुने। क्या ठाकुर साहब ने इतना भी बचा के नहीं रखा अपने ठाकुरन के लिए? हम लोग क्यों बहस कर रहे हैं ठाकुर साहब? ना सभी लोग मौजूद हैं और वो हाथ आपकी पत्नी के गले में है। अगर ये हार हमारे घर से नहीं गया है तो आपकी पत्नी के गले में कैसे आया? आपकी चुप्पी का एक ही मतलब हो सकता है ठाकुर साहब, कि ये हार बिना हमारी जानकारी के हमारे घर से गायब हुआ है और आपकी पत्नी के गले में आ गया। चोरी हुई है ठाकुर साहब, चोरी। ऐसे दिन आ गए हैं आपके ठाकुर साहब। उसूले के पक्के ठाकुर साहब और आपकी पत्नी के स्वागत के लिए पुलिस बुलवाए। खबरदार जवान, जवान। हमारी पत्नी हमारा गुरूर है। चांद पर थूकने से चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तो थूकने वाले के मुंह पर आकर गिरता है। बताइए चंद्रप्रभा, ये गहने आपको किसने दिए? बताइए चंद्रप्रभा, ये गहने आपको किसने दिए? आपको हमारी सौगंध है। ये गहने हमें शीतल भाभी ने दिए। ये कहकर कि ये उनके मायके से है। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं दिए दीदी को गहने, बल्कि मैं तो खुद हैरान थी दीदी के पास इतने भारी गहने अभी भी कहां से आए। वाह ठाकुर साहब, क्या गवाह है। पहली सुनवाई में खिलाफ हो गया। हाँ, क्योंकि बात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है जगमोहन। सच अभी बोलोगी शीतल पंडित, या फिर पुलिस के आने के बाद? नहीं नहीं, सन प्रकाश फोन लगाओ बेटा पुलिस को। सच सच कहिए मामी जी। शीतल, जो कुछ कहना सोच समझ कर कहना और सच सच कहना, और कहने से पहले ये समझ लेना तुम जो कुछ कहोगी अगर मुझे कल पता चला कि वो झूठ था तो समझ लेना उसी पल तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। नहीं, वो गहने मुझे चले जी,
पापा नो। सुना जगमोहन, ये षड्यंत्र तुम्हारी बड़ी बहू के दिमाग की उपज है। आपने कह दिया और मैं मान लूं। वाह ठाकुर साहब वाह, ये एक साजिश है हमें बदनाम करने की। क्या है ठाकुर साहब, जब चोरी पकड़े जाने की नौबत आती है तो अपने घर से एक नुहारा चुन के मेरी बड़ी बहू पे इल्जाम लगा दिया आपने। वाह, आप लोग अच्छा नाटक कर लेते हैं। ये नाटक नहीं जगमोहन प्रसाद, ये हकीकत है, क्योंकि हमने खुद अपने कानों से, अपनी आंखों से तुम्हारी बहू को शीतल से बात करते देखा सुना है। हाँ हाँ हाँ, शैली जी बोली, मैं वो गहने दीदी को पहना देती हूँ, लेकिन एक बात मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मैं आपका काम कर रही हूँ, आपके दिए हुए जेवरों का सही सही इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर जब आप उन पर चोरी का इल्जाम लगाए या वहाँ पर पुलिस आए तो इस समय मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ मैं नहीं मानता ठाकुर साहब, ये आप लोगों की सोची समझी साजिश है मुझे और मेरे पूरे खानदान को बदनाम करने की। बिल्कुल पापा, पापा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। ये शीतल मामी खुद को बचाने के लिए मुझे बदनाम कर रही है। ठीक कह रही है भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शैली भाभी इस घर की बड़ी बहू है और स्वर्ण भवन की बड़ी बहू को स्वर्ण भवन में ही चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई जब वो यहां पर आई नहीं तो हार कैसे चुरा लिया उसने? बताइए शैली भाभी। ये इन्हीं की हरकत है ये। मेरा? अरे मुझे क्या पता, चोर के पास तो एक तरीका होता है क्या? हजारों तरीके होते हैं हजारों चोरी करने के, और चोर का तो कोई ईमान धर्म होता ही नहीं है, उसको तो सिर्फ ये पता होता है कि चोरी कर लूं। अच्छा ये बात है, एक बात कहना तो तुम भूल ही गई, चोरों का कोई ईमान नहीं होता ना, जैसे तुम्हारा भी नहीं है। जबान संभाल कर बात कर मुझसे, अब तो मैं सब सही कहूंगी। खुद मुझे होटल में बुलाकर वो कहने दिए और ऊपर से मुझे पर चोरी का इल्जाम लगा दिए, कमीनी तू, कमीनी बड़ी थर्ड ग्रेड वुमेन होटल जाएगी। कभी शक्ल भी देखी तूने होटल की? घुसने नहीं देंगे, भगा देंगे। अरे छोड़, तू मेरे साथ आई थी इसलिए तुझे अंदर घुसने दिया, समझी? और क्या कह रही थी तू, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो तू मुझे हीरो का हार देगी और इतने पैसे देगी जितने मैंने सपने में भी नहीं देखे होंगे। अरे रख तेरा हीरो का हार तेरे पास, मुझे नहीं चाहिए। आए, आए, ये मुहर हीरो का हार। अरे पापा बकवास कर रही है ये। आप बकवास कर रही हैं आप, कौन सा हीरो का हार? हाँ, हीरो के हार की बात हुई थी। अरे क्या क्या चुरा हो गई चोरनी ने? अरे तू चोर, तेरा सारा खानदान चोर। स्टॉप स्टॉप, सुनो, थप्पड़ मार गई। दादी ये देखिए, हमने जो आभा के घर वालों के लिए उपहार लिए थे उन्हें बदल के ये सस्ते और घटिया सामान रख दिए, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसने किया होगा। बदतमीज लड़की, क्या बिगाड़ा था आभा ने तेरा? किस बात की दुश्मनी निकाल रही है तू उससे? उसके मायके वालों को इस तरह से बदनाम करना चाहती है? ची, ची। मैं बताता हूं दादी,
मैं बताता हूं। ये जाते ही नहीं कि हम यहां रहे है ना। ये आपकी बहू, इससे मैंने कहा कि यहां अपने अपने नहीं रहे, लेकिन नहीं, ये यहां रहना चाहती है आप लोगों के बीच। बेचारी समझती नहीं कि उसके प्यार को समझने की समझ आप में नहीं। जगमोहन, पुलिस अब हम बुलाएंगे ताकि दुनिया को पता तो चले कि तुम्हारी बड़ी बहू चीज क्या है। तुमने जगमोहन अपने बेटे से सौदा करना चाहा था ना अभी कुछ ही देर पहले, तो अब अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो हम तुमसे सौदा करना चाहते हैं। तुमने जगमोहन प्रसाद तुम्हारी बेटी को खून के आंसू रुलाए हैं, आज हम अपनी बेटी के एक एक आंसू का हिसाब लेंगे तुमसे। तुम अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो, अपना नाम बचाना चाहते हो, बदनामी से बचना चाहते हो जगमोहन, तो उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। तो बोलो, तुम्हारी इज्जत के, तुम्हारे नाम के क्या दाम है? बोलो जगमोहन, क्या दाम है? क्या देकर बचाओगे तुम अपनी इज्जत? अरे तुम भी तो एक वकील हो ना, तो फैसला करने में इतना समय? जल्दी कहो जल्दी, फालतू का वक्त नहीं है हमारे पास। नहीं बता सकते? नहीं बता सकते? चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी सहायता करते हैं। जगमोहन प्रसाद, अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को उसके पूरे हक मिले। स्टोर रूम में नहीं बल्कि उसे अपने कमरे में रहने की इजाजत हो। इस घर में जितना भी कहना लगता है वो सब उसके नाम हो। बहस की गुंजाइश नहीं है जगमोहन प्रसाद। बहस अगर की तो कहीं आज ऐसा ना हो कि हम अपनी बेटी के हक में ये स्वर्ण भवन नहीं मांगे। ठाकुर साहब बस। बस कीजिए, हमारे ही घर आकर हमारे ससुर का अपमान करने का कोई हक नहीं है आपको। बाबा, इन्हें मैंने बुलाया है, ये हमारे मेहमान हैं। हम जानते हैं करण, पर किसी भी मेहमान को हम अपने खानदान का अपमान नहीं करने दे सकते। अरे, तेरे मायके वालों का भी तो अपमान हुआ है ना। ठाकुर साहब, हम सबकी तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं आपसे और विनती करते हैं कि आप रुक जाइए, मत जाइए। कोई जरूरत नहीं है, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो यहां आना भी नहीं चाहते थे। लेकिन हमें आना पड़ा क्योंकि हम सच्चाई को सामने लाना चाहते थे। अगर ना आते तो ये सच भी कैसे जानते हम आज कि वाकई
वाकई बेटियां शादी के बाद अपनी नहीं रहती, पराई हो जाती हैं। अब तू आंखें खोल जग्गू, देख इस लड़की को और समझ कि बहू का फर्ज निभाना किसे कहते हैं। अरे तेरे मर्यादा को बचाने के लिए जो कुछ भी उसने सहा, जो भी त्याग किए, कोई दूसरी बहू तो उसे सोच ही नहीं सकती है। अरे घर की इज्जत बचाना तो दूर, कुछ लोगों ने तो आज घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ऐसी ऊंची सोच वालों को तो जितनी भी सजा मिले वो कम है, इन्हें सजा जरूर मिलेगी। और ये सजा देने की हकदार इस घर में सिर्फ एक है, वो है आप। दादी, हम नहीं। हाँ बा, इनको इनके करने का फल मिलना ही चाहिए। शैली ने जो किया उसके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। और वो सजा आभा तू देगी। नहीं दादी, ये सिर्फ मेरा फैसला ही नहीं, मेरा आदेश भी है। पर आभा, पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।